वेलकम टू अमीन एजुकेशन। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला खान है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास फॉर्म पड़ा हुआ है NTS का। तो अब ये देखिए, इसमें एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। इसमें सबसे पहले ये एप्लीकेशन नंबर आएगा जो कि इधर लिखा हुआ है, ये 15873 इस तरह ये इधर आ जाएगा, सही है। अब ये इसके बाद इधर आएंगे हम, ये लिखा हुआ है कि अगर डिसेबल कैंडिडेट है तो यस पे टिक लगाओ, नहीं है तो फिर नो पे टिक लगा दे, सही है। फिर नीचे आएंगे हम, नेम फिल करना है। अब नेम फिल करते हुए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, और जो जैसे कि नाम के उसमें गैप आएगा, जैसे कि मोहम्मद है तो मोहम्मद के बाद जैसे मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला खान, तो मोहम्मद के बाद अब्दुल्ला लिखते हुए बीच में एक बॉक्स का गैप देंगे, सही है। इसी तरह अब्दुल्ला के बाद खान में भी बॉक्स का गैप देंगे, सही है। इसके बाद आ जाएगा फादर नेम, सही है। फादर नेम में भी इसी तरह करेंगे कि एक लेटर के बाद यानी दूसरे लेटर उसके बाद एक बॉक्स का गैप देंगे और फिर लिखेंगे पूरा नाम इस तरह, सही है। कैंडिडेट्स NIC लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद जेंडर आएगा, मेल है तो मेल या फीमेल, सही है। और डेट ऑफ बर्थ आएगी, सही है, इस कैंडिडेट की। उसका आएगा पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस वो लिखिए जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस हो, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस में ये होगा कि उनकी NTS वालों की तरफ से जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपके घर पे पहुंच जाएगा, ताकि सही एड्रेस लिखिए। और सिटी में आएगा कराची, मैं जैसे कि कराची में रहता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट में आएगा जैसे कि मैं कराची सेंट्रल में रहता हूँ, तो इधर आएगा कराची सेंट्रल, और आप अपने हिसाब से लिख दिया। फ़ोन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर आएगा, सही है इस तरह। अब डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, अब जैसे कि कराची वाले हैं तो वो कराची का डोमिसाइल पे टिक लगाएंगे, और जिसका जहाँ का है वो वहाँ के डोमिसाइल के लिए टिक लगाएंगे, सही है। अब आ जाए डिज़ायर टेस्ट सिटी। अब आप इन ये जो गिवन सिटीज़ हैं इनमें से आप किस जगह पे टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे कि इधर कराची है, हैदराबाद है, लड़काना है, नवाबशाह शक्कर है। तो अब जैसे कि मैं कराची में रहता हूँ तो मैं कराची में ही टेस्ट दूंगा, तो मैं कराची पे टिक लगाऊंगा, सही है। अब ये पेज पलट के आ रहा है। अब ये देखिए, पहले मांगना है मैट्रिक की मालूमात, तो मैट्रिक में एयर ऑफ पासिंग आएगा, सही है। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ अटैम्प, अगर एक दफ़ा मैं अटैम्प किया तो एक ही आएगा, वरना जितनी मरतबा अटैम्प किया तो उतनी दफ़ा आएगा, सही है। ऑप्टेन मार्क्स जितने भी किए हों टोटल मार्क्स में से, यानी मैट्रिक में जो कराची बोर्ड का जो हिसाब किताब है वो 850 है टोटल मार्क्स। अब उसमें से जितने अटैम्प किए हों वो आप लिख दें इधर, और टोटल मार्क्स ये रहे, सही है। अब बोर्ड कौन सा था, जाहिर सी बात है SBT कराची बोर्ड है, तो इसलिए कराची बोर्ड तो आएगा, सही है। अब इधर आ जाए FSC की मालूम पूछ रहे हैं वो, तो FSC प्री मेडिकल पर टिक करेंगे, या अगर ए लेवल है तो ए लेवल पर टिक करेंगे, सही है। अब ईयर ऑफ पासिंग आएगा, तो अभी 2018 चल रहा है, तो अब जिनका 2018 है तो 2018 ही आएगा, और वरना जिनका जिन्होंने पिछले साल दिया हो तो उनका एक साल यानी 2017 का आएगा, सही है। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट जितनी दफ़ा पेपर दिए हों, यानी अगर जैसे कि एक दफ़ा दिया तो एक आएगा, अगर दो मरतबा दिए तो दो आएगा, सही है। ऑप्टेन मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स में से, यानी टोटल मार्क्स जो है इंटर के 1100 हैं, उनमें से जितने मार्क्स भी ऑब्टेन किए हों वो इधर आएंगे, सही है। और बोर्ड कौन सा था, जैसे कराची बोर्ड है तो कराची बोर्ड लिखेंगे, सही है। अब इधर भी एक पिक्चर अटैच होगी, सही है। अब ये इधर ये फिल करना है कि अपना नाम लिखना है इधर, और सन ऑफ यानी फादर नेम, सही है। अब इधर आएगा डेट, जिस डेट को आप भर रहे हैं, और थंब इम्प्रेशन आएगा, तो इसके लिए पैड यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंक फैलेगी नहीं, सही है। और इसी तरह कैंडिडेट सिग्नेचर हो गए हैं इधर, सही है। अब देखिए कि NTS की ये इस वाले पेज पर आएँ, ये देखें, ये देखिए
ये तीन कॉपी है, एक NTS कॉपी है, एक बैंक कॉपी है, और तीसरी जो है कैंडिडेट कॉपी है। कैंडिडेट कॉपी जो है आपने अपने पास रखनी है, बाकी दो जो कॉपियाँ हैं वो NTS के इस वाले पेज पे अटैच करनी है आपने, सही है। और जो पिक्चर जो है किधर लगी वो 2x2 की लगेगी, सही है, इधर अटैच करनी है, बाकी एक इधर स्टेपल करनी है, और बाकी एक इधर लगेगी पिक्चर तो वो पेस्ट करके लगानी है। अब जो पिक्चर जो है वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो और ब्लू बैकग्राउंड हो, सही है। और जब आप जाएंगे किसी भी कुरियर सर्विस, जैसे कि TCS है या कोई भी कुरियर सर्विस में आप जमा करवा सकते हैं, उसका मसला नहीं है, तो उनका जो इनवेलप होगा उस पर ही आप एड्रेस लिखेंगे, नेशनल टेस्टिंग सर्विस HQ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सिंध प्रोजेक्ट प्लॉट 96 स्ट्रीट 4H8/1 इस्लामाबाद। तो ये जहाँ भेज रहे हैं आप NTS के पते पे, तो ये लिखेंगे इनवेलप पे। थैंक यू।